dangerous to say the least. So far from a superstar, and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. Step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Keep living. Just let me fall to my just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So pessimistic from the past. All the good things end up in caskets. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे गेम चैनल पे, क्रिश चैट ओआईटी पे, और मैं कृष्णा। तो गाइस, ब्लू स्टैक का नया वाला वर्जन आया है जो कि है गाइस 5.12, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, ये वाला नया वर्जन पे बहुत से फीचर ऐड किया गया है जो कि है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एमिंग पे, और जो हेडशॉट मारना है उसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा और भी फायदा देने वाला है। तो क्या है ये फीचर्स, तो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। तो गाइस, पहले तो ये जो वर्जन है इसका मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा वाला वर्जन है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो अभी का ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि है 5.12, और बाकी का नंबर तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो मेन चीज़ है ये 5.12 आप लोग कह सकते हो। तो गाइस, इस वर्जन पे बहुत से फीचर ऐड हुआ है, तो मैंने सब ट्राई नहीं किया है। जो मेरे को दिखा है, जो पर्सनली मतलब मेरी गेम पर यूज़ होगा, वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो ये चीज़ें थोड़ा चेंजेस हुए हैं, और यहाँ पे मेमोरी पे बढ़ा दिया गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, पहले मेरे को पहले के वर्जन पे ये 8GB का मेरे को देखने को नहीं मिला है, और यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, और 4GB पे अभी इनहेंस है। पहले मेरे को लगता है यहाँ पे हाई है 4GB पे, तो अभी स्टैंडर्ड है 2 और बेसिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा 16GB रैम है, तो नॉर्मली मैं इसको 8 रखता हूँ। तो जो आप लोग की स्पेक है उसकी हिसाब से इसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग नए वर्जन पे शिफ्ट होना चाहते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को नए वर्जन पे शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि वो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा क्यों आप लोग को शिफ्ट होना है। तो यहाँ से जो मेरा रेजोल्यूशन, और मैं अभी खेल रहा हूँ ये वाला वर्जन पे, जो मेरा ब्लू स्टैक का DPI है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और बाकी का सेटिंग भी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। डिवाइस पे अभी के लिए मैंने जो है गाइस आसुस ROG 2 ही रखा है, और बाकी का यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं आप लोगों को मेरा सेटिंग्स और जो क्या फीचर्स है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से डिस्प्ले भी आप लोग देख सकते हो। तो जो मेरा सेटिंग्स है यहाँ से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ अभी, की मैपिंग्स वगैरह। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है आप लोग को डॉट देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो गाइस सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल भी रहेगा और यहाँ पे डॉट भी रहेगा, ऐसा तरीके से आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये क्रॉस डॉट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये चीज़ें जो है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है गेम पे, आप लोग जो फ्री फायर खेलते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। देखो, साइज यहाँ से आप लोग बड़ा या फिर कम कर सकते हो, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे जो मैं साइज आप लोग को दिखा रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। ओपेसिटी ये आप लोग का थोड़ा कम कर देगा, और यहाँ से कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें है गाइस, और अभी जो मेरा DPI है और उसके साथ साथ जो मेरा सेटिंग्स है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं 1200 DPI पे खेल रहा हूँ माउस का। तो यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा ट्रेनिंग पे भी दिखा देता हूँ, ये जो कर्सर की जो डॉट या सर्कल वगैरह जो है कैसा देखने में कैसा लगता है गाइस। तो नॉर्मली मैं ये सर्कल वाला तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉट वाला यूज़ कर रहा हूँ।
तो ये भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज, बहुत ही सही लग रहा है। और इससे जो है गाइज और भी ज़्यादा आप लोग का हैट लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और नॉर्मली ये जो है एम कर्सर आप लोग को अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो इजीली ये हैट पे कनेक्ट होने का और भी ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो यहाँ से और भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइज, तो चलते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये तो मैं अभी सर्कल जो है मैंने आप लोग को दिखाया, ये क्रॉस सिंबल है, तो यहाँ पे भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आप लोग ओपेसिटी जो है अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, बड़ा या कम कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं तो गाइस मेरे को अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मैं डॉट यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग देख सकते हो डॉट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। और ओपेसिटी 50%, और इसको और भी छोटा कर सकते हैं हम, यहाँ से आप लोग देख सकते हो और भी छोटा कर सकते हैं, बट ये वाला भी सही है। यहाँ से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं इसका कलर जो है गाइस मैंने व्हाइट रखा है, इसलिए मेरी इस गेम प्ले पे जो है आप लोग को सही से नहीं दिखा होगा, बट ये वाला डॉट सही है गाइस, बाकी का भी सही है। आप लोग का जो अच्छा लगे आप लोग ट्राई करके देखो, और आप लोग को मतलब इससे थोड़ा मतलब हेल्प मिलता है या नहीं आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, जरूर से मिलेगा। इसमें आप लोग को एम करने में भी और भी अच्छा लगेगा सही से। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मेरे को तो बहुत सही लगा है पर्सनली, क्योंकि बाकी की गेम्स पे भी ऐसे डॉट्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो पीसी की गेम्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉट होते हैं, हालांकि अभी इस अपडेट पे जो है सिर्फ यही अपडेट पे आया है गाइस, इसके रिसेंट के अपडेट पे ऐसा कुछ नहीं आया गाइस, ये वाला अपडेट पे ही आप लोग को ये वाला फीचर मिलेगा। तो इसको जरूर से आप लोग ट्राई करो, और ट्राई करके बताना कैसा लगा है आप लोगों को। और यहाँ से कस्टम वगैरह अगर आप लोग खुद से बना के मतलब करना चाहते हो तो यहाँ से चूज फाइल करके भी कर सकते हो, ये भी ईजी है, सिंपल है। बट ये जो दिया हुआ है इसको आप लोग जरूर से एक बार ट्राई करें, और मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग को मतलब ये फीचर कितना अच्छा लगा है। तो गाइस वीडियो में सब कुछ मैंने आप लोग को दिखा दिया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और जो भी चैनल पे नए हैं अगर आप लोग को भी हेल्प होता है तो गाइस आप लोग भी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय, टी शर्ट गेमिंग।